हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड से लोन कैसे ले सकते हैं। 3 लाख का लोन, जाने कुछ आसान तरीक़ों से। दोस्तों, उसकी क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, लोन लेते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, हम आपके लिए बताते हैं। तो दोस्तों, मैंने स्क्रीनशॉट ऑलरेडी पहले से ही ले रखा है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ मैं आपके लिए बता रहा हूँ। और दोस्तों, ये न्यूज़ कब निकली थी, ये निकली थी दोस्तों 21 नवंबर 2022। तो चलिए, इसके बारे में हम थोड़ी सी पहले आपको जानकारी दे दें। अपने आधार कार्ड से ले सकते हैं दोस्तों आप 3 लाख का लोन। अगर आप लोन लेना चाहते हैं और आप अगर समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको किसके ऊपर लोन लेना सही रहेगा या फिर बेहतर यानी कि अच्छा रहेगा, तो दोस्तों ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम आपको बता दें कि आपको आधार कार्ड की मदद से चंद मिनटों में यानी कि कुछ ही घंटों में आपको 3 लाख का लोन दोस्तों मिल सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए आवश्यक चीज़ें क्या चाहिए, किस क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। अगर आपको आधार कार्ड की सहायता से लोन चाहिए तो आपको आपके पास कुछ चीज़ें रहनी बेहद ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है बैंक अकाउंट डिफ़ॉल्टर आपका नहीं होना चाहिए। इसमें दोस्तों ये दिया गया है, सबसे बड़ी चीज़ दी गई है आपको बैंक अकाउंट डिफ़ॉल्टर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसमें डिफ़ॉल्टर क्या होता है, जैसे कि आपने कभी, जैसे कि मान लो आपने पहले कभी लोन लिया हो 10-20 हज़ार 1 लाख का, और वो दोस्तों आपने समय से नहीं चुकाया है, तो दोस्तों वो डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में आ जाता है। इसको कहते हैं अकाउंट डिफ़ॉल्टर। कोई भी आपकी लेन देन में कोई भी परेशानी नहीं की हो आपकी बैंक की तरफ से। और दोस्तों, अगर आप ऐसा कुछ है तो आपको लोन फ़िलहाल में आपको नहीं मिल सकता है दोस्तों। और इसके साथ साथ आपका सिविल स्कोर भी अच्छा रहना चाहिए। जैसे कि आपका सिविल स्कोर, ये कहते हैं दोस्तों, जैसे कि आपका गांव में या फिर शहर कस्बे में आपका रहन सहन अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, फिर आगे से बता देते हैं कि योग्यता दोस्तों, कितने उम्र का इसको मतलब लोन ले सकता है, योग्यता बता देते हैं हम आपको। आवेदन करने वाला व्यक्ति भारतीय होना चाहिए, और दोस्तों आवेदक की उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए तभी आपको लोन मिलेगा, अन्यथा आपको लोन नहीं मिलेगा। 18 से ऊपर होना चाहिए, 18 से नीचे आपकी एज नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, दस्तावेज इसमें क्या क्या लगने वाले हैं, तो दस्तावेज हम बता देते हैं। दस्तावेज इसमें लगने वाले हैं दोस्तों आपकी, नंबर एक बैंक की पासबुक, नंबर दो आपका आधार कार्ड, नंबर तीन आपका आय प्रमाण पत्र, और नंबर चार पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, जैसे कि वो आपकी पिछले 6 महीने की आपकी जो जमा राशि पूंजी जो भी हो उसका स्टेटमेंट। और दोस्तों, नंबर 5 पर आता है मूल निवास प्रमाण पत्र, जो आप कौन से क्षेत्र या फिर कौन से ज़िले के रहने वाले हो। और दोस्तों, सबसे लास्ट और फाइनल चीज़ होती है आपका मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आपके पास इतनी चीज़ ज़रूरी होना चाहिए दोस्तों, तभी आपको लोन मिल सकता है, अन्यथा आपको लोन ना भी मिल सकता है। ये नहीं कह सकता हूँ कि आधार कार्ड पर लोन मिल ही सकता है, आपको ना भी मिल सकता है दोस्तों। एक बार आप ट्राई करके ज़रूर देखें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल समीर जी के स्टडी को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।